हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। बोल रहा है प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो प्लेट होता है, प्लस प्लस प्लेट, नेगेटिव प्लस प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों को चार्ज किया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट तक, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर। और फिर उसको किससे कनेक्ट कर दिया जा रहा है? एक रजिस्टर से। चार्ज करने के बाद उसको रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जा रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीज। अब जब रजिस्टेंस हम कनेक्ट किए हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर का है वो क्या शुरू हो गया है? डिक्रीज होना, घटना शुरू हो गया है एक्सपोनेंटली। कैसे? तो एक्सपोनेंटली रूप में, मतलब इस तरह से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। आफ्टर 1 सेकेंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। 1 सेकेंड बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया गया बिटवीन प्लेट्स, तो वो रह गया कितना? V/3। देन आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज। एक सेकेंड के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया है वो आपको दिया हुआ है V/3, लेकिन आपसे पूछा है कि 2 सेकेंड बाद, स्टार्टिंग से जो पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सपोनेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है वो कितना होगा वो बताइए। तो चलिए बताते हैं। देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो, पहले ये नहीं बनाते, पहले आपको एक कैपेसिटर बना देते हैं। एक कैपेसिटर आपका ये है, ठीक है। फिर उसको क्या किया गया? क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं एक रजिस्टर से। ये आपका आर रजिस्टर से उसको कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर का प्लस प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो जब कैपेसिटर से हम इसको कनेक्ट किए तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। होगा फ्लो, इतना आप समझ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ? हमारा करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो इन सर्किट। सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हम रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आप कनेक्ट कर दिए तो इनिशियल वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इनिशियल वोल्टेज को हम वी नॉट से दर्शाते हैं, जो आपको वी वोल्ट से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केस, जब उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए तो क्या हो रहा है? डिक्रीज होना है, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा ना, क्योंकि करंट अब उधर से कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है, तो डिस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखते हैं, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले तो T0 लेते हैं, T0 से देखते हैं। तो T0 पे भी क्या हो जाएगा? हमारा दिया हुआ है वी नॉट इक्वल टू वी वोल्ट्स दिया हुआ है। जब समय हमारा 0 सेकेंड है तो उस समय वोल्टेज जो है, इनिशियल वोल्टेज है वी वोल्ट्स कैपेसिटर का, ठीक है। लेकिन जब टाइम हमारा इन्फिनिटिव लेते हैं तो टी इन्फिनिटिव पे, टाइम इन्फिनिटिव पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट्स। क्यों हो जाएगा ये 0 वोल्ट्स? कारण जानते हो क्यों हो जाएगा? ये जो कंडीशन मैंने लिखा, ये तो इनिशियल वाला है, तो वी वोल्ट्स आपको दिया हुआ है। लेकिन जब हम टी इन्फिनिटिव तक बात करेंगे तो सारा कैपेसिटर्स का जो वोल्टेज है वो सारा ये 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्योंकि ऑल जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ आ जाएगा? कम अक्रॉस रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स के अक्रॉस में आ जाएगा जितना भी
पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के पास है वो सारा किसके पास आ जाएगा, रेजिस्टर्स के पास होगा, इसलिए भी हमारा कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा कैपेसिटर के पास, ठीक है, क्योंकि वो अब डिस्चार्ज होने लगा है, ये समझ गए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वी नो डैट, फॉर्मूला क्या निकलेगा डिस्चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी टी बराबर ये हम लोग जानते हैं वी नॉट ई एक्सपोनेंटियली ना डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाय आर सी, ठीक है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको आप अच्छा से नोट कर लो। ये है जब हमारा डिस्चार्ज होने लगता है कैपेसिटर एक्सपोनेंटियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पहला केस दिया हुआ है 4 टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए दिया हुआ है कि वोल्टेज कितना बच जाता है, कैपेसिटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, तो इसी फॉर्मूला में रख लेंगे। तो 1 सेकेंड पे वोल्टेज आपको दिया हुआ है कितना, V/3 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो इसको आप इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सिंस वी टी बराबर क्या हो जाएगा, V/3 इक्वल टू V नॉट का भी मान दिया हुआ था V × E-1/RC हो गया, और यहाँ से V से खत्म, तो 1/3 E^-1/RC बच गया इतना। तो आप देख रहे हो कि E^-1/RC का मान क्या बचा, 1/3 ये बच गया है। ये आपका अभी बचा हुआ, आप चेक करते हैं किसके लिए, 4 टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितना होगा, तो 2 सेकेंड के लिए हमको वी टी निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वी टी बराबर V0E-2/RC, टू ये है 2 सेकेंड के लिए, दूसरा सेकेंड के लिए निकाल रहा हूँ ना इसीलिए। तो हमारा वी टी बराबर V0 यहाँ पुट किए V, ठीक है, इनटू और E-1/RC। हम क्या करते हैं, ये जो टू है पावर उसको बाहर ले चल जाते हैं, होल कर देते हैं, ठीक है। तो वी टी बराबर V × और इतना का मान हम पुट क्या कर सकते हैं, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, V×1/9 जो हो जाएगा V/9 इतना वोल्ट्स। तो ये आया क्या, टाइम 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो 2 सेकेंड में कितना शुरुआत से अभी तक डिस्चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस गिर चुका है, तो V/9 वोल्ट्स गिर चुका है। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड्स।